हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ही चैनल रक्षा की रसोई में। तो आज रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। तो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़े होंगे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रक्षा की रसोई ने एक वीडियो अपलोड किया है और आपको नई नई रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगना है, कोई नुकसान नहीं है, इससे आप नई नई चीजें सीख पाएंगे और मुझसे जुड़े। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल इन वन मसाला, यानी कि ये मसाला आप एक बार बना करके रख लीजिए। आप जब चाहे जो अचार रखना चाहें फटाफट से आप बना सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी अचार बनाना होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बार बार मसालों को भूनना। तो क्यों ना हम एक ही बार में इस मसाले को बना करके रख लें, जो ऑल इन वन है, हर तरह के अचार में आपका काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच लिए हैं जीरा, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच ही लिए मैंने राई यानी कि सरसों के दाने, और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने ली है सौंफ। यहाँ पर यानी कि चारों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। अब अगर हम बात करें अजवाइन की, तो अजवाइन को आप इन जितनी क्वांटिटी में आप ये चारों चीज़ें ले रहे हैं उससे आपको कम ही लेना है, यानी कि 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है, यानी कि जस्ट आधा इसकी मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अब हम एक पैन लेंगे या कढ़ाई ले लीजिए, तवा ले लीजिए, तो उसमें आप जीरा, सौंफ और जो आपकी अजवाइन है, इन तीनों को आप साथ में डालें। तीनों को आप साथ में भी भून सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन चाहे तो साथ में भी भून सकते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर, तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। मसाले को आप जितना धीमा आंच पर भूनेंगे मसाले उतने ही परफेक्ट भुनते हैं, और मसाले भुनने की खासियत ये होती है कि मसालों से अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप खड़े खड़े ही आपको इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू आने लगेगी कि आपको अलग ही पता चल जाएगा, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ों को साथ में मिलाया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 1 मिनट करीब से लेकर के 2 मिनट तक लग जाएंगे आसानी से। तो या आप चाहे तो इसको चलाना ना हो तो आप इस तरह से इसको टॉस भी कर सकते हैं, तो टॉस करने से भी ये मसाले बहुत अच्छे परफेक्टली भुनते हैं। तो आपको जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, खुशबू ना आने लगे, तब तक इसको भूनना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है, बहुत तेज़ी से खुशबू आना शुरू हो गई है। तब हम इन मसालों को एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। आप पास से देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। अब हम पैन में डालेंगे मेथी। मेथी को हम अलग से इसलिए भून रहे हैं क्योंकि मेथी दाना को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर मेथी को भी अलग इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। तो इसको आपको बीच बीच में बिल्कुल चलाते जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही मेथी बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाएगा और ये जल जाएगी। अगर आप थोड़ी देर इसको नहीं चलाते हैं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसको कलर चेंज होने तक इसको भून लिया है और मेथी से भी काफ़ी खुशबू आ रही है। तो आपको मेथी भून लेनी है और इसको भी हम अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे सरसों के दाने यानी कि राई के दाने। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सरसों के दाने हैं बहुत जल्दी भुन जाते हैं और इनको ज़्यादा भी भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करना है, बिल्कुल ज़रा सा। आप टॉस भी कर सकते हैं इस तरह से, और बस हल्का सा आपको टॉस करना है। 20 से 25 सेकेंड ही लगेंगे टोटल, और क्योंकि इसमें कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ब्लैक कलर के ये ऑलरेडी होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आएगा। तो आप करीब 20 से 25 सेकेंड ही इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लें। तो ये देखिए, हमने सरसों के दाने भी भून लिए हैं, तो इनको हम अलग सभी को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये मसाले जब ठंडे हो जाएं तो आप सिलबट्टे की मदद से या फिर मिक्सी का जो जार होता है उसमें डाल करके मिक्सी में आप इसको पीस लें और इसका पाउडर बना लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मसालों को पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। तो ये तो रहा आपका स्टोर करने का मसाला। अभी मैं आपको अचार रख करके बताने वाली हूँ, सभी तरह के मैं अचार रख करके बताऊँगी। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप दे देती हूँ। अगर आप इस मसाले को महीने भर के लिए ही 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप इसमें नमक मिला करके भी रख सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम के लिए इसको स्टोर कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, तो आप नमक ना मिलाएं। जब आप अचार रखें तभी नमक मिला दें।
तो इसको मैं करीब 2-3 महीने के लिए, इतना मेरा मसाला आसानी से हो जाएगा, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी और इसको मैं एक कंटेनर में भर करके रख लूंगी। तो चलिए अब मैं आपको अचार रखना इससे रख करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रख रहे हैं अड़िया मिर्च का अचार। तो यहाँ पर मैंने अड़िया को छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है और मैं यहाँ पर मिर्च को भी मैंने काट लिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके यहाँ अड़िया को क्या बोला जाता है, जो मूली जैसी होती है दिखने में, तो उसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं मेंस्ट्रुअल कप को लेकर के अपना अगला वीडियो 4 अगस्त को लेकर के आ रही हूँ, जिसमें आपके मैं काफ़ी क्वेश्चन के रिप्लाई दूंगी और ये भी बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप को यूज कैसे करना है, यानी कि इसको आपको अपनी वेजाइना में कैसे इंसर्ट करना है और कैसे रिमूव करना है। तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें, 4 अगस्त को वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगी। और आपका कोई भी कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, नमक हम यहाँ पर 1 चम्मच डाल रहे हैं। तो मैं रोज़ाना अचार जो रखती हूँ मैं उसी का आपको बना करके दिखा रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, सरसों का तेल हम डाल रहे हैं। अब जो हमने जितना अचार लिया है, इस अचार के हिसाब से हम टोटल 1 चम्मच मसाला ही डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस, ताकि जो अचार में है अच्छे से खटाई आ जाए। तो आप जब भी कोई और अचार रखें नींबू के अलावा, तो थोड़ा सा उसमें नींबू का रस निचोड़ दें, जैसे हरी मिर्च का अचार रखें तो उसमें भी नींबू का रस डाल दें, तो उससे अच्छा खट्टापन आ जाता है। और अब मैं 1 चम्मच यहाँ पर डालूंगी मसाला। तो आपको उस समय जब आप अचार रखेंगे तो आपको मसाला भूनना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही आप घर पर इसको बना करके रख लीजिए। जब भी आपका मन चाहे अचार रखने का तो आप रख सकती हैं। मेरे यहाँ हमेशा अचार इतना ही रखती हूँ मैं, नॉर्मल 2 दिन चले आराम से। ये नहीं है कि स्टोर करने वाला अचार अलग रखती हूँ, जैसे ताज़ा ताज़ा अचार जो खाना होता है 2 दिन के लिए ही रखती हूँ। तो मैं बार बार मसाले नहीं भूनती हूँ, ये मसाला बना करके रख लेती हूँ और अचार अपना रख लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा अड़िया मिर्च का अचार रख करके हमने रख लिया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं 2-3 दिन तक ही खबेगा मेरे यहाँ, ये सारा अचार ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे बार बार झंझट नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, मैंने ये अचार इसी मसाले से रखा है जो कि मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये मसाला जो मैंने अभी बनाया था। तो चलिए अब मैं दूसरा अचार भी इससे आपको रख करके दिखाती हूँ। दूसरा अचार जो है अब हम रख रहे हैं इसमें करौंदा मिर्च का अचार। करौंदा मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच मसाला, क्योंकि ये बहुत थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं है। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे सरसों का तेल, और हम इन सभी को मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, रख गया हमारा करौंदा मिर्च का भी अचार, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ना, फटाफट से रख गया है। ये मसाला घर पर हो तो जब चाहे अचार रख लीजिए। ये देखिए, हमने करौंदा मिर्च का अचार भी रख लिया है। तो मैं इसको अलग एक कटोरी में निकाल देती हूँ। अब मैं आपको रख करके दिखाऊंगी नींबू मिर्च का अचार। तो नींबू मिर्च मैंने यहाँ पर पहले से ही काट के रखे हुए हैं, तो मैं नींबू मिर्च का अचार रख रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं मसाला जो कि हमने सभी के लिए बनाया है। इस अचार में हम तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि नींबू के अचार में तेल नहीं डाला जाता है। अगर आप हरी मिर्च का अचार रख रहे हैं तो उसमें आप तेल डाल सकते हैं। तो मैं 1/2 नींबू का रस और निचोड़ देती हूँ, ताकि अच्छी खटाई आ जाए, मिर्च में भी आ जाए। नींबू वैसे तो रस अपना नहीं छोड़ता है, अपनी जगह ही रखता है, खटाई बहुत दिन बाद आती है। तो हम ये ताज़ा अचार रखने वाले हैं कुछ ही दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए ही, तो इसलिए मैंने ऊपर से इसमें रस निचोड़ दिया है, ताकि अच्छे से इसमें खटाई आ जाए। तो मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर के लिए काश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है अचार का, देखने में अट्रैक्टिव कलर लगता है। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमारा नींबू मिर्च का भी अचार तैयार हो गया है। तो देखा आपने कि जब भी आपका मन हो, फटाफट ये मसाला मिलाया, हल्दी मिर्च
नमक मिलाया, थोड़ा सा तेल मिलाया और अचार रख करके हो गया ना तैयार। ऐसा तो नहीं है आपको बार बार भूनना पड़ेगा, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है। जब मर्जी हो तब आप अचार रख करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मसाला की रेसिपी? अगर आपको ये मसाला रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये रहे मेरे तीनों तरह के अचार जो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं ऑल इन वन मसाले के साथ। तो ये ऑल इन वन मसाला आप ज़रूर बनाएं, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें।